लकीली मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट रिसेशन अगर मैं बोलूँ या लास्ट साइकिल जहाँ पे बॉटम आउट होता है वो शायद हमने 2008 में देखा था। उसके बाद हमने ऑफकोर्स अप्रिसिएशन नहीं देखा, पीक नहीं देखा, बट रिसेशन भी नहीं देखा हमने। करंटली द प्राइस राइज इज नॉट इन सिंक विद द कॉस्ट एस्केलेशन। सीमेंट का प्राइस बढ़ने वाला है पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में। सीमेंट का कॉस्ट इज ऑलमोस्ट रफली अराउंड 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर वो भाव बढ़ जाता है ठीक है, तो मतलब कहाँ ना कहाँ पे 10-15% का कॉस्ट एस्केलेशन कंस्ट्रक्शन में आपका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो बढ़े हुए हैं कॉस्ट कोविड के बाद में, वो पूरा इंक्रीज जो है अभी तक एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है और ये नया कॉस्ट अपसाइकल हम लोग देख रहे हैं। रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा इशू और जो डेवलपर फेस करता है इज द चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब प्रोजेक्ट गोल्डकर्स रेसिडेंसी इन नवी मुंबई विच गॉट स्टक फॉर ऑलमोस्ट 5 years ड्यू टू द फ्लिप फ्लॉप इन गवर्नमेंट पॉलिसीज विच डिलेड द प्रोजेक्ट परमिशंस। And today we are with Mr. Vivek Jain, who is managing director with Bhairav Group. Bhairav Group is already established player in Mumbai, and as an organization, they are 50 years old and 24 years in real estate. Welcome on board, sir. Welcome to Prop Gyani Girish Helwani show. Hello. So today we are talking about real estate, yeah. And specifically, categorically, the growth of real estate. मतलब भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से grow हो रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट इज एट अ पीक, गोल्ड बोलते ना सबसे ऊंचाई पे है, रियल इस्टेट प्राइसेस कुछ कुछ लोकेशन पे पीक पे है, हर जगह पे नहीं है। तो ये ग्रोथ फैक्टर लोकेशन बेसिस पे क्यों है? ऐसा है कि रियल इस्टेट हैज ऑलवेज बीन वेरी सेंसिटिव इन द प्राइस वाइज। तो एंड यूजुअली वेन एवर देर इज एन अपसाइकल जो करंटली अभी चल रही है इकोनॉमी में बाकी सब जगह पे, तो रियल एस्टेट इज द लास्ट एसेट क्लास विच सीज द अपसाइकल। ओके, सो ऑल्दो इट इज लोकेशन बेस्ड बट इट इज गोइंग टू बी वेरी सून, इट इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड। देर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर दैट कि द लास्ट लो साइकल हैज एक्सटेंडेड फॉर अप टू 10 years which okay. was never the case earlier. Earlier, whenever there was a cyclic turn, so within a period of 7 to 8 years, there was a turn. This year, it has extended, most probably due to COVID and everything. But sir, luckily, मेरे को ऐसा लगता है कि last recession, अगर मैं बोलूँ या last cycle जहाँ पे bottom out होता है, वो शायद हमने 2008 में देखा था। उसके बाद हमने, of course, appreciation नहीं देखा, peak नहीं देखा, but recession भी नहीं देखा अपने। It was always been a stagnant and sustenance phase. नहीं, there was a small period when the rates have actually come down, and apart from rates, the sales velocity was also down. The sale velocity increased after COVID. Okay. Although there was no rate appreciation, but then the sale velocity increased, which helped in clearing all the accumulated stock. And now there is a price movement, but that is also very small and not at all in commensurate with the increase in the cost which has gone cost up. Cost escalation. There is a tremendous cost escalation. The currently the price rise is not in sync with the cost escalation. Abhi maine just Chintan Vasani, mere bahut dear friend hai, unke status pe dekha, cement ka price बढ़ने वाला है। या तो एंड मतलब पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में सीमेंट का कॉस्ट इज ऑलमोस्ट रफली अराउंड 10% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट तो अगर वो भाव बढ़ जाता है ठीक है, तो मतलब कहाँ ना कहाँ पे 10-15% का कॉस्ट एस्केलेशन कंस्ट्रक्शन में आपका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और भी है, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि और ऑलरेडी जो बढ़े हुए हैं कॉस्ट कोविड के बाद में, वो पूरा इंक्रीज जो है अभी तक एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है और ये नया कॉस्ट अपसाइकल हम लोग देख रहे हैं। आज ही लोगों को है ना अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है ठीक है, मतलब ठीक है इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है कंपेयर टू ऑल अदर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट फिर भी आज हर कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है। अफोर्डेबिलिटी आज कहाँ ना कहाँ पे अभी भी लोगों के आउट ऑफ रीच है। अगर एक कॉस्ट एस्केलेशन आता है, मतलब मैं बोलता हूँ अगर 10-15% भी कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, तो EMI एस्केलेशन वुड बी क्लोज टू 20-25% जो आज पॉसिबल नहीं है। सो डू यू सी डिमांड उसी तरीके से इंक्रीज होंगे या सस्टेन होंगे? और इतना ज़्यादा सप्लाई आ रहा है, FSI का सप्लाई, मुंबई 3 बन गया, मतलब अयोध्या डेवलपमेंट हो गया, तो उसके आजू बाजू का एरिया हो गया, तो सप्लाई बहुत हो रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली डू यू सी कि ये और डिमांड चलती रहेगी और सेल मोमेंटम मिलता रहेगा हमको?
ऐसा है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी लोकेशन बेस्ड स्पेसिफिकली कि जो लोकेशन पे रेट्स ऑलरेडी हाई है देयर विल बी अ ह्यूज रेजिस्टेंस एंड जो हाई प्राइस्ड ऑलरेडी है okay. मैं स्पेशली मुंबई मार्केट की बात कर रहा हूँ. टीयर टू टीयर थ्री में शायद ये इतनी ट्रबल नहीं आएगी और वहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि अपसाइकल ऑलरेडी है. द रेट इंक्रीज इन लास्ट वन एंड हाफ ईयर टू ईयर्स इन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज इज मच मोर देन द मुंबई मार्केट. ओके दैट इज ऑलरेडी देयर. नाउ इन मुंबई द एरियाज और लोकेशन विच टिल नाउ हैव नॉट कॉट अप विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट अपसाइकल. बट देन अगेन I am not seeing कि भी in the immediate future of say 4 to 6 months there will be much of a change. But say on a timeline of 12 to 18 months there can be there in most probability there is going to be a good price increase which will be enough to cover the cost increase in cost and due to the rise in income of the middle class people which they are going to feel or get into their hand due to all this क्या बोलते हैं जो कमोडिटी मार्केट एंड शेयर मार्केट में जो तेजी है वो हाँ. पैसा जब वो लोग लिक्विडेट करना शुरू करेंगे तो वो रियल एस्टेट में नहीं ऐसा नहीं होता है. स्टॉक जो है जो प्रॉफिट बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ठीक है करेक्शन आते रहते हैं बट देन देट इज गोइंग टू गो अप सस्टेनेबली. ऐसा सर रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा इशू जो डेवलपर फेस करता है जो शायद डेवलपर को ही पता है और उसके एसोसिएटेड लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि शायद कोई दूसरे डिपार्टमेंट को पता रहेगा कंज्यूमर रियल एस्टेट एजेंट्स या किसी और को पता रहेगा इज द चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी सडनली चेंज हो जाती है कभी कभी टाइम लेती है. अब जैसे नवी मुंबई में अगर अपन एक एग्जाम्पल बोले तो फ्लेमिंगो का एक रिलेटेड पॉलिसी आ गया था. अंधेरी आई वॉज डूइंग कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे एयरपोर्ट और हाइट रिस्ट्रिक्शन का पॉलिसी आ गया और मैंने बहुत क्लोजली वो प्रोजेक्ट को सेल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया था उसको आगे बेचने के लिए. आई वॉज एबल टू सी कि बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी कहाँ ना कहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट का 20% गॉट इवेपोरेटेड बिकॉज ऑफ वन पॉलिसी. और मेरे को लगता है कि लास्ट 3-4 साल में जिस तरीके से मार्केट चल रहा है डेवलपर का मार्जिन ही 15% 18% है नॉट मोर देन दैट. तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट गुड बैड अगली आउट ऑफ इट. यस यस आई हैव वी हैव एक्सपीरियंस गुड एज वेल एज बैड. आई वुड लाइक टू रेफर ओवर हियर अवर प्रोजेक्ट गोल्डकरस्ट रेसिडेंसी इन नवी मुंबई विच गॉट स्टक फॉर ऑलमोस्ट 5 years ड्यू टू द फ्लिप फ्लॉप इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. Okay. So before we were given a CC, which is the permission to start, there was a change in government policy. Okay. On a free, on a completely clear title tender plot, they asked 20% of area to be given to EWS. EWS, yes. Which we fought to tenil, but as you know, government machinery. Yes, yes, yes. Then finally we caved in and we prepared our plans. Along with including the EWS portion and everything. Okay. But then post that also, due to changes in MOF laws, there were changes almost every 6 months and those changes were 3 to 4 times, which delayed the project permissions. Okay. And we suffered a lot. We faced great hardship. Till now, 4 towers have been obtained the OC. Okay. The last tower OC is expected very soon. It is completed and we have already applied and it is in process. But then the cycle of 10 years, it really affected the complete profitability of the project. Yeah. I still remember, I mean, we launched this project in 2015 February. Yes, yes, yes. And today we are in 2024. And even if it take another 6 months, it's almost a 10 years of journey for a single project. एंड आई एम श्योर कि आपने जब फिजिबिलिटी निकाला रहेगा प्रोजेक्ट का तो साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट आपने 3 साल 3.5-4 साल का मैक्सिमम रखा था. फोर इयर्स विद क्या बोलते हैं बफर पीरियड ऑफ 6 months. ओके सो नाउ दैट एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस. पैसा बनाओगे नहीं बनाओगे प्रोजेक्ट. नहीं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं बनाएंगे छोड़ के आ रहे हैं. ओके या बट देन वी आर कमिटेड
जो भी हमने प्रॉमिस किया है वी वुड बी मेकिंग एवरीथिंग एंड डिलीवरिंग, चाहे लेट हुआ है लेकिन निकलते निकलते जो है चीज जो है जो बोली है वो देके जाएंगे. दैट इज अवर प्रॉमिस. आपने बोला था गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ है, तो हमने नुकसान की बात कर दी, फायदा क्या हुआ? थाने में हमारा एक प्रोजेक्ट है आईटी बिल्डिंग का. ओके. इन वागले एस्टेट. ओके. तो देयर व्हेन वी लॉन्च अवर प्रोजेक्ट इन 2018 वी वर ऑलरेडी अवेयर द न्यू आईटी पॉलिसी वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, सो वी वर अवेयर कि द एफएसआई इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके. सो वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट विद द बेसिक एफएसआई कीपिंग प्रोविजन कि एज एंड व्हेन जब भी एफएसआई बढ़ जाएगा तो उसका हम लोग बिल्डिंग परमिशन एक्सटेंड करके ले लेंगे. अब यहाँ पे नो डाउट दैट हैज कम, बट अगेन 2018 की चीज जो है 2023 में आई. नाउ द थिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड इन 2020 दैट टाइम इट वॉज नोन कि भाई 2020 तक हो जाएगा, लेकिन वो चीज आते आते 2023 हो गया. तो देर वॉज अगेन अ डिले ऑफ 3 years, बट देन दैट डिले हैज नॉट Impacted us because we had made all the provision and only thing is ki theek hai jo project pehle aaj se 2 saal pehle complete ho sakta tha we are now going to deliver in coming year between March and June 2025. Even if the project of 100 crores ka worth aur agar main bank interest bhi agar baat karun 8.5% ya 9% on a very higher side, 3 साल का रफली अराउंड 25-28% का दैट्स एन अभी ऐसा नहीं कि दैट वुड बी कॉल्ड टर्म्ड बाय एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच इज लॉस्ट. अल्टीमेटली इट इज 25% प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. अब वो पैसा उस टाइम पे 2020 में माल बेच देते, पैसा कमा लेते, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती, कोविड में कुछ सस्ते में लैंड खरीद लेते. यस राइट है. और काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल थे जेवीजेडी में, सो दैट्स अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ ह्यूज डेफिनेटली इट इज देयर. So there is plus and minus. It is like that. At what point of time, where you are, at which place you are. कभी किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा. ये बात है. Right. Yeah. So दूसरा, I would like to understand. मतलब 99% मेरे को पता है real estate में जो developers हैं, उनका दूर दूर तक रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है. कुछ लोग accidentally real estate में आ जाते हैं कि पैसा लगाया था, project जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है. कुछ शायद कॉन्ट्रैक्टर था तो डेवलपर के इधर से मतलब डेवलपर इज अनेबल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, तो उसने टेक ओवर कर लिया और डेवलपर बन गया. यू एज अ पर्सन, व्हाट मेजर्स दैट यू आर टेकिंग? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर रहता है तो बंदा खुद इंजीनियर होता है और फिर वो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, और आईटी वाला बंदा है तो वो खुद कोडर होता है या तो खुद उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज होता है तो वो बिजनेस परस्यू करता है. बट रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, बीट एज अ डेवलपर और बीट रियल एस्टेट एजेंट. मतलब रियल एस्टेट एजेंट रिलेटेड तो एज सच कोई पढ़ाई भी नहीं है जहाँ पे वो 2 साल रियल एस्टेट एजेंट की पढ़ाई करके फिर रियल एस्टेट एजेंट बने. तो हाउ डू यू फोरसी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ रियल एस्टेट? पहली बात तो आई वुड लाइक टू करेक्ट कि अर्लियर देर वर नो फॉर्मल कोर्सेज फॉर रियल एस्टेट. नाउ देर आर, बट देन दोज आर नॉट फॉर डिग्री काइंड, दिज आर ऑफ डिप्लोमा काइंड एंड ऑल दोस थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, डेफिनेटली इंजीनियरिंग इज अ थिंग, बट देन रियल एस्टेट बिजनेस अभी आज की तारीख में बहुत से इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है. आप उसको अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मतलब दिस एजुकेशन, सो योर मैन पावर, योर Now your point of what measures that you have education taken? Now since education is then the, like I myself I'm a BCom graduate, but then I'm running this real estate business. So what we did is ki we when we started with this business, we hired the best professional of the industry and we took their guidance completely, and as we traveled this way, this path, we learned. So now currently I am very well aware of all the basic data and more than basic data. Kya cheez karne se kya hota hai, kya cheez karne se kya nahi hota hai, and all those things. Now, so since Bhairav will pursue real estate business, theek hai, I'm sure more projects to come jo aapka already pipeline mein hai. Your both kids, theek hai, one is doing architecture or probably completed architecture. No, he has just started. He's in first year architecture. ठीक है, तो आप उसको तैयार कर रहे हो आगे. मतलब बोलते ना एक professional तरीके से company को, और real estate developer हैं तो क्यों real estate developer है, architect है, in house सब कुछ उस तरीके से तैयार कर रहे हो.
So do you foresee that all developer, those who are not equipped with these kind of probably education, probably a civil engineer or an architect, will start getting their second generation into these kind of educations? That is very subjective. It purely depends on the interest of the kid. Now, I have not forced both of my kids, definitely. But एक बात है कि जब घर में वो जो माहौल देखते हैं तो दे इनडायरेक्टली डेवलप दैट टेस्ट. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. माय डॉटर, शी हैज डन एमएससी, शी हैज डन हर बीएमएम इन एडवर्टाइजिंग एंड देन एमएससी इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फ्रॉम लंडन एंड नाउ शी इज ओवर हियर एंड शी इज टेकिंग एक्सपीरियंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड पीआर इंडस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स. She was not staying back in London? No, no. She was very, very clear ki education karna hai, ek saal ka wahan se experience lena hai, then aana hai India mein. Now, instead of 1 year, she came back in 8 months. Achha. Because aajkal ke bachche bahut smart ho gaye. Unhone dekha ki London is going down and India is going up. So why should I waste four of my more months over there in a downfall market? When I want to actually make my base in India. This is called New Bharat. And this is what I'm talking about in terms of growth story of Bharat. True. मतलब ये बहुत live example है. अगर young generation अगर ये feel कर रहा है, तो I'm sure the person, those who have probably business या employment in international market, London, US, UK, आप किधर भी ले लो, अगर उसको इससे ज्यादा पिंच हो रहा रहेगा क्योंकि वो डाउनफॉल में उसका घर चलाना डिफिकल्ट हो रहा है. ट्रू. तो आई एम श्योर ऑल दिस पीपल विल कम बैक इन इंडिया टू देयर होम टाउन. देयर इज अ ह्यूज फ्लो. ऑल्दो देयर आर सेवरल किड्स हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन. ओके. बट देन अर्लियर द माइंड सेट वॉज कि वहीं पे रहना है. हाँ. अभी माइंड सेट है कि वहां पे जाना है, एक्सपीरियंस लेना है, वापस आना है एंड यहाँ पे लाइफ. So this also clearly indicate कि NRI का flow बहुत ज़्यादा होने वाला है अगले साल दो साल में in terms of not only just money wise but also they would be coming back, staying here, spending power बढ़ जाएगा और economy will see that growth factor from NRI. Coming back में you can expect कि the people who have gone in last 3 to 5 years they may think of coming. बट माई एक्सपीरियंस इज कि जो लोग काफी सालों से वहां पे रह रहे हैं, अगर वो चाहते भी हैं तो वो आ नहीं पाते हैं यहाँ पे. बट देन वो लोग पैसा यहीं पे लेके आते हैं. ये मैंने देखा है. एंड लेट मी टेल यू कि दिस मोमेंट ऑफ NRI बाइंग प्रॉपर्टी ओवर हियर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. अच्छा. लास्ट 6 से 8 महीने में मैं काफी मूवमेंट देख रहा हूँ. एंड जो इंडिया में जो अभी FDA आ रहे हैं उसमें काफी सारा अमाउंट ये वाला भी है. इनफैक्ट आज के न्यूज में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द एजेंसीज नेम, बट देन दे हैव कमिटेड अ फंड ऑफ $25 billion टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया मार्केट इन नेक्स्ट 5 years. इन नेक्स्ट 5 years इन रियल एस्टेट मार्केट. नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वी what are they expecting? Yes. और मैं ऑलरेडी सेल्स में हूँ. आई शुड लुक एट मोर सेल्स देन. राइट. दैट्स ग्रेट. सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 साल या मतलब स्पेशली फ्रॉम टिल 2015-16 सेल्स एक अलग तरीके से चलता था. इंडिविजुअल बिल्डिंग, इंडिविजुअल हाउसेस बिकते थे. आज सब कम्युनिटी ड्रिवन हो गया. योर वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू बिल्ड, आई वॉज टॉकिंग टू योर डैड मदन जी, चेयरमैन सर ऑल्सो, द एंटायर पैशन टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट वॉज टू हैव अ कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी विद अ जैन टेम्पल एंड ऑल. तो वो उस टाइम पे उनका पैशन था, शायद खुद के लिए या खुद के कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, उस वजह से शायद वो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया. बट आज ये बहुत कॉमन हो गया एंड कम्युनिटी ड्रिवन ही चल रहा है. जब तक अगर आप कम्युनिटी नहीं बना रहे हो तब तक बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट बेचने में भी, मार्केट करने में भी, सेल्स नंबर्स लाने में भी डिफिकल्टी हो रही है. Do you see this like you know continuing throughout? क्योंकि amenities वाला तो बहुत common हो गया आज. आधे से ज्यादा project में amenities maintain भी नहीं होती है. फिर amenities में ताला लग जाता है और फिर उसी का ही maintenance का issue सारे जो resident है उनके ऊपर आ जाता है. So do you believe that community living will continue or I mean it will have some for standalone project? Yes, you may say standalone projects in limited locations, you may say yes, community driven
वहाँ पे सेल अभी भी चलता रहेगा, लेकिन जहाँ पे भी जो अभी बड़े गेटेड कॉम्प्लेक्स है देयर इन ऑर्डर टू सस्टेन द सेल्स ऑल्सो एंड इन ऑर्डर टू सस्टेन द एनवायरमेंट कम्प्लीटली द रियल एस्टेट एनवायरमेंट आई डोंट थिंक डेट विल बी देयर. इट विल बी कम्युनिटी स्पेसिफिक. पीपल आर गोइंग टू लाइक the projects which are huge, you cannot just target one community and something like that. Unless until it is in midst of the people of one particular community spread around every locality. Ek manpower bahut bada challenge ho gaya hai across all the industry. Real estate mein bhi bahut zyada challenge hai. Agar apan kal ya parso ka mere ko kisi ne bataya tha विस्तारा के 36 फ्लाइट कैंसिल हो गए थे एक दिन में बिकॉज ऑफ पायलट के इश्यूज. तो मैं उसको बोल रहा था कि उसके एक दिन के 36 फ्लाइट कैंसिल हुए. रियल एस्टेट में रातों रात लोग पूरे गायब हो जाते हैं, सेल्स टीम जगह पे नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है. एंड अगेन रियल एस्टेट में कॉस्ट जो है वो पूरा पैसे को लेके ही है. 6 महीने का प्रोजेक्ट डिले वुड बी कॉस्टिंग 5-6% ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. 5-6 करोड़ का नुकसान हो जाता है. मैन पावर कॉस्ट वुड बी हार्डली 10 लाख्स इन दैट. ट्रू. राइट. डू यू सी दिस सिचुएशन? इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग सिंस लास्ट 6 to 8 months ड्यू टू द इंक्रीज इन रियल एस्टेट एक्टिविटी. पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर कंपनीज आउटसाइड एंड एट अ ह्यूज जंप. सो पीपल रादर देन कंटिन्यूइंग इन द सेम कंपनी एंड sticking over there, they are grabbing the opportunity with a huge jump and then jumping the ship. और उसके बाद skip कर रहा है. So how manpower situation then developers or even real estate agent or agencies will be overcome with this situation? You have to evolve with solution. You have to come out with solution. As far as the generic staff is there, HR है, आपका admin है, accounts है, वो मान लो change भी हो जाता तो इतना difficulty नहीं आता है कि ठीक है वो change हो गया है. There is a team. Out of that, say 1 or 2 people have changed, so there are other people to handhold and all those things. Engineering section से जब लोग आते हैं तो उसमें जैसे अगर एक इंजीनियर मेरे साथ में है जिसने फुटिंग किया है और बाद में बीच रास्ते में वो चला जाएगा और नया बंदा जो आएगा उसको नहीं पता कि नीचे क्या हुआ. करेक्ट. ऑल दो ड्रॉइंग्स वगैरह सब होता है बट प्रैक्टिकल एग्जैक्टली उसको वो नहीं होता है. तो फॉर दिस करीबन 2 साल पहले हमने हमारे ग्रुप में एक ये किया था कि अपार्ट फ्रॉम द सैलरी व्हाट वी आर नेगोशिएटिंग वाइल कीपिंग हिम वी आर ऑल्सो एडिशनली वी आर ऑफरिंग देम रिटेंशन बोनस विच gets accumulated and is released at the end of the project. So now that is one. So that's an incentive. There is one aspect which makes them hold on at least till the end of the project. So for new project again naya team aaya chal jata hai lekin but then ek cycle complete ho the project then the employees also create a loyalty ek bond create ho jata hai to baad mein wo kab hui वो का वही सिस्टम दूसरे प्रोजेक्ट में भी चलता है ये बात है. और सेल्स और मार्केटिंग वाले जो जंप मारते रहते हैं उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है बट देन वो अगर चेंज भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब फर्क तो डेफिनेटली एक सेटबैक आता है लेकिन देन इट बिकम्स एन इशू व्हेन द होल टीम जंप्स टुगेदर बट देन इफ आउट ऑफ अ टीम ऑफ 5 to 7 पीपल 1 or 2 पीपल मूव्स आउट एंड देयर आर अदर पीपल टू गिव द सपोर्ट एंड कैरी ऑन. What do you see in terms of luxury market? मतलब कोविड के बाद एक साल तो कुछ नहीं था बट 6-8 महीने के बाद तो अचानक लग्जरी मार्केट का एक अलग डिमांड हो गया. मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दुबई में जिस तरीके से बूम है और 2 million, 5 million, 10 million की कोई वैल्यू उधर बची नहीं है. मतलब 50-50 million के विलाज दे आर जस्ट सेलिंग इट और आता है सोल्ड आउट. एंड सेम थिंग दैट वी आर एबल टू सी इन इंडिया ऑल्सो. मतलब दिल्ली मुंबई अल्टामाउंट रोड द मोस्ट कॉस्टलीस्ट रोड उसमें देख रहे हैं कि 1000-1000 करोड़ 500-500 करोड़ के लोग घर खरीद रहे हैं. तो लग्जरी मार्केट का जो अब साइकिल चालू हुआ है उसमें लोग खास करके रियल एस्टेट में लोग ये देख रहे हैं पीपल आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. तो अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो आस्ते आस्ते करके कम होते जा रहा है. जैसे एक टाइम था रियल एस्टेट डेवलपर 1 BHK बनाना छोड़ दिए थे खाली 2 BHK 3 bed बनाते थे. तो अगर ये कम होते जाएगा तो जो नए लोग आते हैं tier 2, tier 3 सिटीज से उनके लिए डायरेक्टली गेटिंग इनटू दैट लग्जरी और नॉन अफोर्डेबल सेक्टर वुड बी टू डिफिकल्ट.
तो उसके लिए मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो किया है सेक्टर पूरा, वो भी एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट जो होना चाहिए. सो डू यू सी दैट लग्जरी मार्केट कंटिन्यूइंग फॉर नेक्स्ट 7-8 ईयर्स, जो एक साइकिल रहता है कि अफोर्डेबल सेक्टर भी कंटिन्यू करते रहेंगे? इन द करंट सिनेरियो द लग्जरी मार्केट इज गोइंग टू रिमेन हियर बिकॉज अवर इंडियन इकोनॉमी एज अ होल इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट डिकेड. द नेक्स्ट डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया. इवन करंट ईयर्स द एस्टिमेट रिलीज बाय IMF फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडियाज ग्रोथ हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 7.5%, विच इज ह्यूज. So that is going to be there. And apart from luxury, the in the next cycle, which is we are expecting very shortly, now after these elections are over, the new government is in place. Frankly speaking, we are expecting huge number of changes in government policies and everything, which is going to give more boost to the Indian economy. New government or the same government? The new government now 4th June will say ki who is the new government. Yeah, it's better not to comment on that. Sir, अभी जैसे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का एपिसोड हुआ है, हर किसी को पता ही है. तो मतलब हार्दिक पांड्या वॉज लीडिंग अ टीम, देन ही वॉज ब्रॉट बैक और फिर यहाँ पे उनको टीम लीड करने के लिए बोला गया. एंड टिल नाउ ही हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल और उसके लेके कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है. दो मैं वो क्रिकेट को लेके कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कराना चाहता हूँ, बट रियल इस्टेट में भी ना कहाँ ना कहाँ पे बहुत बार ऐसा हमारे से हो जाता है कि हम सेल्स हेड को या कोई इंजीनियर को या कोई प्रॉब्ली डायरेक्टर को दूसरे कंपनी से अपन हायर कर लेते हैं ये सोच के कि अरे उसमें वो बहुत सक्सेसफुल था, बट अपने यहाँ पे आके वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. ठीक है, और कहाँ ना कहाँ पे उसका मेन रीज़न दो हो सकता है, या तो अपन ने गलत हायरिंग की, या तो टीम का रेजिस्टेंस है, या तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट द कल्चर एंड द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी लुक एट हायरिंग. हैव यू फेस्ड सच काइंड ऑफ इशूज इन पास्ट, और डू यू फील दैट कि मतलब वो हायरिंग करने के टाइम पे या ये देखने के टाइम पे भले आप स्लो हायर करो, ठीक है, बट जब हायर कर रहे हो तो यू शुड बी क्लियर विद दैट, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम राइट मतलब प्रमोटर्स ड्रिवन जो छोटी कंपनियां होती है जहां पे एचआर भी बहुत कंपनीज में अवेलेबल नहीं होता, तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है और वो जो सामने वाला बोलता है उसके फेस वैल्यू पे लेके हायरिंग हो जाती है उसकी. दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन अ सीनियर और हेड लेवल पोजीशन इज हायर्ड एंड दैट पर्सन इज ऑफ अ व्यू ऑफ चेंजिंग द होल टीम. रिसेंटली वी एक्सपीरियंस 5-6 months back, okay, we hired a head salesperson, and after coming within 7 days, he is giving certificate to all the current sales and CRM staff ki they are of no use. We need to hire a whole team, and then he is started giving his reference wale resumes and all those things. Acha. So better. So we realized ki these things is not going to work on. 10वें दिन बैठ के उसी को हमने राम राम कर दिया कि ठीक है तुम यू बी एट योर होम एंड वी विल लुक फॉर समवन न्यू. तो ये होता है, बट देन यूजुअली दिस हैपेंस एट द लेवल ऑफ द हेड एंड ही वांट्स टू गेट हिज होल टीम विथ हुम ही वाज वर्किंग एट अर्लियर प्लेसेस. तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हम इंसान हैं, गलती करना हमारा काम है, राइट, गलती करने से सीखना हमारा काम है. True. और सीखने के बाद गलती नहीं करने में ही सक्सेस छुपा हुआ है. सो दैट्स अ मंत्रा दैट हमने आई लिव एट गोल्ड क्रेस्ट रेसिडेंसी से ऑलरेडी सीख लिया है. हाँ. कि कभी भी प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे भी गवर्नमेंट इश्यूज आते हैं, हाँ, उसको स्विफ्टली कैसे जो है इनिशियल लेवल पे ही जो है हमको लगता है कि नहीं ठीक है ये कुछ नहीं होने वाला है तो हेयर कट तभी का तभी ले लो. होता क्या है कि वी try to save कि भी नहीं ये जो loss होगा, लेकिन it is better कि if it is government with whom you are fighting and if you are fighting alone or a lonely battle, then it's better कि you take a haircut then and there, पीछे जाके सुखी रहोगे. This is a hard lesson we have learned. Yes. That comes at a huge cost. Yes, it comes as a huge cost. In terms of technology, apart from monetary losses, it has come with a huge mental peace and at a loss of mental peace and the image जो brand जो build किया था उसमें definitely
एक जो डेंट आता है वो आया है. तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू रिसरेक्ट द थिंग होल थिंग एंड रीच ईच एंड एवरी ऑफ आवर एसोसिएट अगेन एंड गेट थिंग्स मोर बेटर देन अर्लियर. बट आई फील मतलब जिंदगी में हार जीत लगी रहती है. yeah. जब आप गिरते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गिरे हुए रहो जहाँ पे हो, या तो उठ के मजबूती से चलना सीखो. एंड इफ यू आर डूइंग दैट बाय गेटिंग एसोसिएटेड विद कस्टमर्स और ओल्ड एसोसिएट एंड रिवाइविंग दैट एंड ट्राइंग टू क्लियर दैट डेंट आउट ऑफ इट और अच्छा इमेज वापस से और उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हो तो सैल्यूट है आपको. क्योंकि मतलब बोलते हैं भगवान और जिंदगी बहुत कम मौका देती है लोगों को उसका गलती रिपेयर करने के. ऐसा है ना, पास्ट इज पास्ट, आगे बढ़ते रहने में ही जिंदगी है. करेक्ट. तो जो हो गया वो हो गया, उसको पकड़ के रहने में नथिंग नो वन इज गोइंग टू रीच एनीवेयर. इट्स बेटर कि आप चलते रहो और जो गलतियां पीछे कर ली उसको दोबारा मत करो और पहले से क्या अच्छा कर सकते हो वो करो. That's an important lesson of life that we have got on this show, not just about real estate. And thank you for watching this show and continue to subscribe and like this channel, Prop Gyani Girish Shalvani.